आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनार के बारे में और अनार खाने के फायदे के बारे में। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अनार में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इसके अलावा मल्टी विटामिन्स और मल्टी मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। जब आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके कारण आपके शरीर में थकान, कमजोरी बहुत ज़्यादा रहती है, शरीर में आलसपन रहता है, किसी भी काम करने में मन नहीं लगता है और आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, दुबला पतला शरीर मोटा नहीं हो पाता, तब दोस्तों अनार आपके लिए वरदान है। अनार को अंग्रेजी भाषा में पोमेग्रेनेट कहते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें अनार खाने के फायदे के बारे में, अनार में फाइबर की मात्रा पाई जाती है, जो कि पाचन क्रिया और कब्ज की समस्या को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके साथ साथ जब आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तब आपके शरीर में थकान, कमजोरी बहुत ज़्यादा रहती है, शरीर में आलसपन रहता है, किसी भी काम करने में मन नहीं लगता है, तब दोस्तों अनार आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके साथ साथ अनार में आयरन की मात्रा पाई जाती है। जब आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिसके कारण आपको चक्कर आने लगते हैं, हाथों पैरों में झुनझुनी बनी रहती है, तब दोस्तों अनार आपके शरीर में खून की कमी को पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके साथ साथ अगर आपके बाल झड़ते हैं या फिर टूटते हैं, तब दोस्तों अनार आपके बालों को मजबूत करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। और दोस्तों अनार हृदय के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करके शरीर से बाहर निकालने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। और दोस्तों जब आपकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाती है, आप जल्दी जल्दी बीमार होने लगते हैं, आपको इन्फेक्शन जल्दी हो जाते हैं, तब दोस्तों अनार आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। और दोस्तों अनार में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, जो कि आपकी हड्डियों और दांतों को मजबूत करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। और दोस्तों अनार उन पुरुषों के लिए वरदान है, जिन पुरुषों में शुक्राणुओं की कमी हो जाती है और वीर काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाता है, ऐसे पुरुषों में बाष्पन की समस्या हो जाती है, ऐसे पुरुष जो संतान उत्पन्न नहीं कर पाते, ऐसे पुरुष जो बाप नहीं बन पाते, तब दोस्तों अनार उन पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाता है, इसके साथ साथ वीर को गाढ़ा करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों अगर आप लगातार अनार का सेवन 15 दिन तक करते हैं, तो दोस्तों आप यकीन मानिए कि आपके शरीर में इसके इफेक्ट अच्छे दिखाई देने को मिल सकते हैं। दोस्तों यही थी आज की जानकारी अनार के बारे में और अनार खाने के फायदे के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक और लाइक करने के साथ साथ चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।